गाइज वेलकम बैक टू अपसब ग्लोबल। आज हम हैं कैलकटा में एंड दिस इज़ कौशबा एरिया जहाँ पे VFS ग्लोबल का सबमिशन होता है। सो दिस इज़ मिस्टर रवि एंड वी हैव कम टुडे फॉर क्रोएशिया सबमिशंस। तो बेसिकली ये है तेलंगाना से, राइट सर? तेलंगाना से है और पूरे इंडिया में बहुत ही मुश्किल से अभी मिल रहे हैं अपॉइंटमेंट। सो वी हैव गॉटन एन अपॉइंटमेंट फॉर कोलकाता। सो सर अपना एक्सपीरियंस बताइए। हाई, मेरा नाम रवि है। एक्चुअली अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था तो हम लोग को फाइनली कोलकाता में मिला है। मेरे सबमिशन वगैरह लेकिन वेरी स्मूथली गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये रहा मेरा सबमिशन का है, ये है क्रोएशिया का है। एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिकल का वर्क के डिपेंड किया था। और दूसरा एक बोलना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी यूरोप जाके आया हूँ, वहाँ पे जाने के बाद मुझे जो काम चाहिए था वो मिला ही नहीं है। बाद में पुष्कर जी का कांटेक्ट मिला मुझे अपसब ग्लोबल का, तो मैंने बात किया, उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया था अभी तक स्टेप बाय स्टेप वेरी स्मूथली गया हूँ। तो वर्क परमिट भी मेरा आ चुका है और मेरा इलेक्ट्रिकल का जो है वो भी वर्क परमिट का दिला दिया उन्होंने इंटरव्यू का फिनिश करके। तो अभी मैं कोलकाता में ही हूँ। सबमिशन का स्लिप दिखा दो सर। सबमिशन के लिए ये रहा मेरा सबमिशन का स्लिप, कोलकाता का। और फाइलिंग कैसी रही सर? स्मूथ थी आपकी सब कुछ? कोई दिक्कत आई? फाइलिंग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वैसा डॉक्यूमेंट मतलब हमारे पास है जो अपसब ग्लोबल वाले ने ठीक से मतलब वेरी जेन्युइन तरीके से कराया, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं फाइलिंग। और दूसरा हो गया सक्सेसफुली मेरा फाइलिंग का। अब सर बस अप्लाई करना है वीज़ा आते ही। हाँ, अभी वेटिंग फॉर दैट वीज़ा। बस वीज़ा आते ही अप्लाई करना है क्रोएशिया के लिए। सी, दिस इज माय वीज़ा। आई एम रियली सो हैप्पी, माय गॉड, फाइनली आई रिसीव्ड आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच अफसर टीम। हेलो गाइस, वेलकम टू अफसर ग्लोबल। आज हम मौजूद हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से हमारे आज क्लाइंट श्री रविशन राजू फ्लाई करने वाले हैं। रवि जी आज क्रोएशिया के लिए फ्लाई कर रहे हैं यहाँ से। गाइस, ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज यहाँ बहुत जोरों की बारिश है जिससे पूरा एयरपोर्ट भीगा हुआ है। तो अल्टीमेटली श्री रविचंद्र राजू हमारे साथ आ गए हैं। रवि जी, हाय, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत दिनों बाद आपका जो ड्रीम था पूरा होने जा रहा है। सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ अफसर ग्लोबल एंटायर टीम को और अपना पुष्कर जी जो हेल्प किया, मतलब कभी भूलने का जैसा हाई नहीं है। मतलब मेरे को हमेशा ऑटो अगर भूलेगा भी ना, ऐसा मतलब जैसे अलार्म में वो घंटी बजती है ना, भाई ये है ऐसा करके, मतलब वो टिक करके आवाज़ देने लगती है। तो वो तो बहुत बड़ा कहानी है, मतलब वही तो सब ना नहीं बोल सकता हूँ। बट ओवरऑल मैं बोलूँ ना, अगर किसी को भी अगर कुछ करना रहेगा तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा एज ए माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो अफसर ग्लोबल इज़ द बेस्ट सर्विस देगा आपको। मतलब आप है ना बेफिक्र रह के, मतलब बिंदास आप आग बंद कर अपना फाइल लगा सकती है। तो मतलब ऐसा बहुत सारा है लेकिन वो इतना टाइम भी नहीं है और मतलब बहुत वीडियो भी लंबा बन जाएगी। डॉक्यूमेंट वगैरह ले लिया है आपने? डॉक्यूमेंट वगैरह तो सब ले लिया है। एक बार दिखा दो डॉक्यूमेंट वगैरह आपके। फाइल इसके ज़रा और पासपोर्ट है मेरे पास अभी फिलहाल, टिकट भी है, ये मेरा पासपोर्ट है ठीक है सर। बाकी वर्क परमिट वगैरह तो फाइल के अंदर है, वो मैं निकाल दूंगा। बाकी आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जाइए, मेहनत करिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करिए। पुष्कर जी, एवरीवन, सेंटर अफसर ग्लोबल के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाय,
मैं हूँ रविचंद्र राजू। फाइनली मैं अभी क्रोएशिया पहुँच गया, जागरेब एयरपोर्ट के बाहर हूँ अभी फिलहाल। तो ये रहा जागरेब का एयरपोर्ट, मैं बाहर हूँ अभी। ठीक है, तो एवरीथिंग वाज स्मूथ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा मतलब इधर आने के बाद। थैंक यू अफसर ग्लोबल, तो जितना भी थैंक यू बोलेगा तो कुछ कम ही है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा थैंक यू करके इसके लिए। बस फाइनली मेरा जो डेस्टिनेशन है वो पहुंच गया, इधर हूँ अभी। थैंक यू।